हेलो दोस्तों, कैसे हैं? इकोनॉमिक्स के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हमें आखिर मालूम होना चाहिए कि व्हाट डज इकोनॉमी रेफर टू। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो है प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन क्या क्या आपका है? मान लीजिए स्टील है, सोप है, नोटबुक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे, मशीनरी है, कार है, ठीक है, एट्सेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और सर्विसेज हमारे हैं, सर्विसेज में हमारा क्या हो गया? सिनेमा, आपका ब्यूटी पार्लर, ठीक है, और सारे एट्सेट्रा। तो जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है सोसाइटी में और जो हमारी सर्विसेज हैं, इनका जो है सोसाइटी के जो बीच क्या है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही क्या है, हमारा इकोनॉमी है। जब हम उसको स्टडी करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इस जो हमारी सर्विसेज हैं कितनी हैं, इन सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी में कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो हमारा क्या आ जाता है? इकोनॉमी में आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी टू टाइप की होती है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डील करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जो है, माइक्रो मीन्स आपका क्या हो जाएगा? माइक्रो मीन्स आप जो है बचपन से जानते हैं, माइक्रो मीन्स लार्ज होता है। तो जब हम इकोनॉमी एज ए होल स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल मीन्स हो गया, मान लीजिए आप जैसे हमारा देश इंडिया है, तो हम पूरे देश को जो है एक मान के जो है इसकी इकोनॉमी स्टडी करें कि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जीडीपी हमारी क्या है, हमारी जीएनपी क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक्स टोटल और एवरेज टर्म। टोटल और एवरेज टर्म, हमने इसका मतलब क्या बताया अभी आपको ऊपर, कि जब हम इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हैं, किसी इंडिविजुअल का ना पढ़ के हम जो है पूरी सोसाइटी का जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी, वहाँ डिस्कस करते हैं कि वहाँ का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसा है, तो हमारा क्या हो जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? आपका इन्फ्लेशन हो गया, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या स्टडी करते हैं? हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने जो है एक स्टार्टअप खोला। स्टार्टअप किस चीज़ का है? मान लीजिए आपका स्टार्टअप है, एक आपने स्कूल खोला है, ठीक है। कौन सा स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग का कॉलेज पर्सन ने क्या किया? स्टार्टअप किया। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे एडमिशन लेंगे, कुछ बच्चे जो है आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होंगे, वो बाहर जाएंगे। तो इसका जो रख रखाव है, पूरे कॉलेज का मेंटेनेंस चार्ज हो गया, बच्चों का रख रखाव, तो पूरा आप क्या बनाएंगे? एक जो है आप एक रजिस्टर तैयार करेंगे, जहाँ पे है आप हर चीज़ जो है एंट्री करेंगे, कॉलेज में कितने रूम हैं, हर रूम की कंडीशंस क्या है, वहाँ पंखे क्या है, हर चीज़ आप देखेंगे। तो वो जो आप हर चीज़ जो है रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया? आप जो है हर चीज़ का क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर डेटा रख रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, आपने कॉलेज पर कितना खर्चा किया, आपके यहाँ एडमिशन क्या रेट है, किस रेट में आपके यहाँ बच्चे कॉलेज छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ टीचर की इनकम क्या है, आप कितना उन्हें दे रहे हैं, आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये आपका क्या हुआ? ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट हुआ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, द हाउस होल्ड, द फर्म एट्सेट्रा, हम जो है स्टडी करते हैं कि उनका प्रोडक्शन यानी उनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सोसाइटी में, वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है। ऑल यूनिट टुगेदर मेक अप द इकोनॉमी। जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, जब एक साथ सब मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि अभी जो इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी कर रहे थे,
अगर हर इंडिविजुअल को हम जो एज अ टुगेदर कर लें, तो हमारा अगर हम उनके बारे में फिर स्टडी करें तो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल यूनिट में आपका जो है आप खुद हो गए, एक आपका घर हो गया, एक आपके आपका स्कूल हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सब पार्ट हुआ। उसी प्रकार जब हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे पूरे इंडिया, ब्रिटेन, यूएसए, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा लेस इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह मैटर किसी को नहीं करता कि उस घर की आमदनी क्या है, उस घर के लोग कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, यह मैटर नहीं करता। मोर इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट क्या है, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा जो है ये प्राइस एनालिसिस पे फोकस करता है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या किस पे फोकस करता है, इनकम एनालिसिस पे। इनकम एनालिसिस मीन्स GDP, GNP, ठीक है, इस टाइप के इनकम एनालिसिस पे फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप एग्जांपल लेंगे तो आपका फर्म्स हो गया, आपका हाउस होल्ड हो गया, आपका स्कूल हो गया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, GDP, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट्सेट्रा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा जो है वही इकोनॉमी है, उसका जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इकोनॉमी। उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा, दोनों के बीच डिफरेंस देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग।